नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन रतिराम में। और मैं रतिराम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो हमारी कंप्यूटर सीरीज की लेक्चर थ्योरी क्लासेस चल रही थी, उस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और प्रिंटर का एक पार्ट जो हमसे छूट गया था, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों आज हमने थोड़ा सा बोर्ड पे राइटिंग के साथ ना पढ़ाने के साथ कोशिश करी है, थोड़ा सा अपने आप को डिजिटलाइजेशन करने की, यानी कि हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को डिजिटल तरीके से जोड़ने की, जैसे कि बाकी अदर क्लासेज में लोग करते हैं, हमने भी थोड़ा सा कोशिश करने की कोशिश की है। यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको लगता है कि नहीं हमारा व्हाइट बोर्ड ही ठीक था तो हम उस पर भी वापस से आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए इसके लिए एक एक कोशिश हमारे द्वारा की गई है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहले तो सबसे पहले बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और जान लेते हैं दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों जैसे कि हम इससे पहले जो हमारा एक लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में जाना था। इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने ड्रम, चैन, बाकी के जितने भी प्रिंटर्स होते हैं उनके बारे में बड़ी आसानी के साथ पढ़ने की कोशिश की दोस्तों। आज हम देखेंगे दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है दोस्तों। लास्ट वीडियो में जब हम इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ रहे थे तो आपको बताया था कि एक हैमर टाइप का होता है जो कागज से टकराता है या रिबन टकराती है या बीच में किसी ना किसी प्रकार का टच कागज और हैमर के बीच में होता है दोस्तों, तो उस तरीके की चीज को हमने कहा था इम्पैक्ट प्रिंटर। लेकिन अभी जब हम ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ रहे हैं तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो आपका होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपका, आपको ये भी देखना होगा कि वो किसी भी तरीके से कागज से टच नहीं होता दोस्तों। अभी कागज से टच क्यों नहीं होता, क्या इसके कारण है, तो अभी जब हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये बड़ी आसानी के साथ बिना किसी झंझट के समझ में आ जाएगा कि ऐसा होता क्यों है। अगर हम बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की दोस्तों, तो इनकी क्षमता उच्च होती है, इनकी गुणवत्ता उच्च होती है, इनकी गति भी उच्च होती है और ये बड़ी आसानी के साथ काम करते हैं दोस्तों, उतनी आवाज भी नहीं करते। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर अगर हम पढ़ना चाहें तो इसके भागों को हम सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम सबसे पहले मुख्य रूप से दो भाग पढ़ते हैं। दो भाग कौन कौन से दोस्तों, एक तो आपका है लेजर प्रिंटर और एक आपका है इंकजेट प्रिंटर। हालांकि इसके बाद थर्मल प्रिंटिंग भी होती है, फोटो प्रिंटिंग भी होती है, कुछ पोर्टेबल प्रिंटिंग्स भी होती है, लेकिन उन चीजों को ना पढ़ने से पहले हम सबसे पहले दो बातों पर मुख्य रूप से बात करेंगे। एक तो है लेजर प्रिंटर और एक है आपका इंकजेट प्रिंटर। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं लेजर प्रिंटर के बारे में। मैं जो भी जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ या जो भी पढ़ा रहा हूँ वो साइड स्क्रीन पर आपको साथ के साथ दिखता हुआ भी जाएगा, तो साइड स्क्रीन पर आप वहां से भी आराम से बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों लेजर प्रिंटर 1970 के दशक तक मेन फ्रेम कंप्यूटर में उपयोग किया जाता था। 1970 के दशक के आसपास जब इसको और आगे बढ़ाया गया तो आगे के कंप्यूटरों में इसका उपयोग होने लगा। 1980 के दशक आते आते मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद इनको जब छोटे कंप्यूटरों में लाया गया तो हुआ क्या कि इनकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा थी दोस्तों, और ये $3,000 के आसपास पड़ सकते हैं। यदि आज के $3,000 को मैं अपनी भारतीय करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो लगभग 70 से आप एक रुपया एक डॉलर आपका 70 के आसपास है। तो अगर मैं 3,000 को 70 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूं दोस्तों तो यहां लगभग ये संख्या लाखों में चली जाती है बिना किसी झंझट के। तो ये चीजें आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। ये तो बात हुई लेजर प्रिंटर की कीमत की दोस्तों। अब जो लेजर प्रिंटर होता है वो वर्क कैसे करता है दोस्तों, अगर आपने देखा हो तो लेजर प्रिंटर में एक कार्टेज होता है, कार्टेज, उस कार्टेज में सूखी साई भरी जाती है जिसे हम कार्टेज कहते हैं, टोनर भी बहुत से लोग उसे कहते हैं। टोनर या कार्टेज जो एक ड्रम में सेट किया हुआ होता है, उस ड्रम के अंदर सूखी साई भरी होती है और एक लेजर के द्वारा, यानी कि एक फोटोकॉपी की मशीन आपने देखी होगी उस तरीके से काम करता है। हालांकि फोटोकॉपी की मशीन में थोड़ा हाईलाइट को काम में लिया जाता है, लेकिन इसके अंदर एक लेजर के द्वारा एक लेजर पेपर के ऊपर पड़ती है और ये मैग्नेटिक साई होती है एक तरीके से, जो आपकी ब्लैक साई के अंदर भरी होती है, ये इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों। कहने का मतलब आपकी जो लेजर मान लो यदि माइनस है तो आपकी वो प्लस होगी, उससे क्या होगा वो एक दूसरे को चिपकने की कोशिश करते हैं। तो जिस जिस जगह लेजर पेपर के ऊपर गिरती है उस जगह वो ब्लैक साई जो आपकी है वो उस जगह आकर चिपक जाती है दोस्तों। और जब पेपर आगे बढ़ता है तो आगे लेजर प्रिंटर के अंदर ही आपका एक हीटर लगा हुआ होता है, वो हीटर आपके पेपर पे बिल्कुल उसको पेस्ट कर देता है। अगर आप लेजर साई की प्रिंटर को खोज के थोड़ी सी कोशिश करें तो आसानी से खुजी जा सकती है, आपने फोटो कॉपी में करके भी देखा होगा। तो लेजर प्रिंटर में यही सबसे बड़ा मूल होता है कि लेजर प्रिंटर के अंतर्गत आप लोगों को लेजर से प्रिंट की जाती है, इसमें सूखी साई का उपयोग किया जाता है और किसी भी प्रकार से पेपर से टच नहीं होती है।
यानी कि जो भी कोई हेड वेड है वो पेपर से टच नहीं होता, सीधा लेजर साइको अपने ऊपर सौंपती है और जो आपका हीटर होता है वो उसको उसके ऊपर पेस्ट कर देता है दोस्तों। तो ये तो बात हुई लेजर प्रिंटर की। अब लेजर प्रिंटर में भी क्या होता है दोस्तों, डॉट्स के रूप में काम करती है, डॉट्स के रूप में छोटी छोटी डॉट्स होती है बिल्कुल, जैसे कि आपकी डॉट्स मैट्रिक्स वाले प्रिंटर में था वो डॉट्स के रूप। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो डॉट्स होती है वो इतनी बारीक होती है कि वो आपको दिखाई भी नहीं देती। लेजर प्रिंटर के अंदर जो डॉट्स होती है वो 300 से 600 डीपीआई के रूप में काम करती है। अब ये डीपीआई क्या होता है दोस्तों, ये होता है डॉट्स पर इंच, यानी कि एक इंच का टुकड़ा ऊपर और नीचे से अगर मैं एक इंच का पूरा वर्ग बनाऊं तो इसके अंदर 300 से 600 डॉट होती है एक अक्षर को क्रिएट करने के लिए दोस्तों। तो ये तो बात हुई दोस्तों लेजर प्रिंटर की। किसकी बात हुई दोस्तों, लेजर प्रिंटर की बात हुई। अगर मैं इसकी उपयोगिता की बात करूं तो एक तो इसकी गति बहुत ज्यादा तेज होती है, उच्च क्षमता वाले होते हैं, इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है दोस्तों। अगर इसकी मैं कमियों की यहाँ पे बात करूं तो इसकी जो कमियां आती है दोस्तों, एक तो ड्रम टोनर को बार बार चेंज करना पड़ता है, ड्रम टोनर को चेंज करने के साथ ही क्षमता भी में भी धीरे धीरे जब पुराना होता जाता है इसकी क्षमता में कमी आती जाती है दोस्तों, और थोड़ा महंगा भी पड़ता है किसके मुकाबले, इंकजेट प्रिंटर के मुकाबले ये काफी महंगा भी पड़ता है दोस्तों। तो ये तो बात हुई आपके लेजर प्रिंटर की। अब लेजर प्रिंटर के बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों इंकजेट प्रिंटर की, तो ऐसा नहीं है कि लेजर प्रिंटर कलर प्रिंटर नहीं आते थे, कलर प्रिंटर भी उससे उच्च क्षमता वाले होते हैं, उसके अंदर कलर साइयों का उपयोग किया जाता है। लेकिन उसमें क्या होता था, थोड़ी समस्या ये होती थी कि लेजर प्रिंटर में एक ही कलर जैसे कि साई का उपयोग मुख्य रूप से किया जा सकता था। उसके लिए हमने क्या किया, इंकजेट प्रिंटर के आविष्कार को ढूंढा दोस्तों। अब जो आपका इंकजेट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर क्या होता है दोस्तों, इसमें चार कलर की साइयों का उपयोग आपके किया जाता है और ये लिक्विड साई होती है। अब ये लिक्विड साई इसलिए होती है क्योंकि इसमें CMY के चार अक्षर आपने सुने होंगे, CMY के होता है दोस्तों साइन, मजेंडा, येलो और ब्लैक। ये चार कलर आपके इंकजेट प्रिंटर में उपयोग किए जाते हैं। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है दोस्तों, एक इसमें हेड होता है और जो हेड होता है उसके ऊपर स्पूलिंग मतलब छोटे छोटे बारीक बारीक नोजल्स लगे होते हैं। उन नोजल्स में से जो आपका कलर की डिस्प्ले है, कलर है, शाई है लिक्विड वाली, वो स्प्रे होती है और वो स्प्रे होके दोस्तों आपके अक्षरों को बनाती है। अब इसमें भी कोई डॉट्स प्रणाली काम में आती है लेकिन इतनी स्प्रे बारीक और महीन होती है कि आपको दिखाई नहीं देता और आपके अक्षर बड़ी ही सुंदरता के साथ दिखाई देते हैं। इनकी क्षमता बहुत उच्च होती है, हाई रेजोल्यूशन होते हैं, काफी लंबे समय तक पेपर के ऊपर टिकने वाले होते हैं दोस्तों। तो ये आपका हुआ इंकजेट प्रिंटर जिसके अंदर एक हेड होता है, हेड के अंदर नोजल होता है, लिक्विड साई का उपयोग किया जाता है, चार कलर की साइयों का उपयोग किया जाता है। इनकी गति भी हालांकि लेजर के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है लेकिन क्षमता बहुत ज्यादा उच्च होती है। आजकल इनका उपयोग बहुतायत में किया जाने लगा है दोस्तों। इसी के साथ अगर आगे मैं बात करूं थर्मल प्रिंटर की, आपने जब ATM में से पैसा निकाला होगा तो उसके साथ एक स्लिप निकलती है दोस्तों, वो होता है आपका थर्मल प्रिंटर। जब ये थर्मल प्रिंटर होता है दोस्तों तो इसके ऊपर क्या होता है, एक पर्ची के रूप में बिल्कुल चिकना होता है और चिकनी के ऊपर एक रिबिन पहले से ही लगी हुई होती है, उसमें कार्बन रिबिन हम उसे कह सकते हैं। उस रिबिन के द्वारा इस प्रिंट के ऊपर छपाई होती है और होता क्या है कि ये छपाई ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती है, एक निश्चित समय के बाद ये कागज के ऊपर से वो शाई उड़ जाती है, इसीलिए हम इसे थर्मल प्रिंटिंग भी कहते हैं दोस्तों। इसी के साथ आता है आपका फोटो मेकर। आपने कभी कभी देखा होगा अगर आप कहीं हेरिटेज वाली जगहों पर जाए तो फोटोग्राफर अपने साथ एक पोर्टेबल फोटो मेकर एंड टू एंड लेके घूमता है। उसमें क्या होता है, सीधा ही कैमरे से बिना किसी कंप्यूटर की सहायता के सीधा कैमरे से ही फोटो प्रिंट कर देता है। उसके अंदर भी क्या होता है दोस्तों, वही चार कलर की साइयों का उपयोग किया जाता है, उसमें हाई क्वालिटी वाले नोजल और हेड का प्रयोग किया जाता है और वो अड़ी आसानी के साथ आपके फोटो को अच्छी क्वालिटी में प्रिंट करके 4x6 इंची वाली जो आपकी साइज की पेपर शीट होती है, एक ग्लोसरी पेपर हम उसे कह सकते हैं, हाई ग्लोसरी पेपर भी उसे कह सकते हैं, उसके ऊपर प्रिंट करके आप तक पहुंचा देता है दोस्तों। इस थर्मल प्रिंटर के बाद आपकी आ जाती है दोस्तों मल्टी फंक्शन प्रिंटिंग। जैसे कि आपने सैमसंग के, कैनन के काफी बड़े बड़े प्रिंटर्स देखे होंगे जिनके अंदर स्कैनिंग भी होती है, ब्लैक एंड व्हाइट भी होता है, वो कलर भी होता है, वो फैक्स भी कर सकता है, इस तरीके से वो एक साथ काफी सारे काम कर सकता है दोस्तों। इसी के साथ एक और प्रिंटर आजकल जो चलन में है वो है दोस्तों पोर्टेबल। पोर्टेबल प्रिंटर क्या होता है, आपने काफी बार अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालने वाला आता हो तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल निकालने वाले को देखा होगा, उसके यहाँ साइड में एक प्रिंटिंग मशीन रखी हुई होती है और वो प्रिंटिंग मशीन ही आप लोगों के पोर्टेबल प्रिंटर का काम करती है दोस्तों। तो ये बात हुई आपके इम्पैक्ट प्रिंटरों के बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की दोस्तों। तो आशा करता हूं इस वीडियो में आपने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को बड़ी आसानी के साथ जाना होगा दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। आगे भी आप लोगों को ऐसे ही काफी अच्छे अच्छे वीडियोज हमारे द्वारा अलग अलग टॉपिक्स पे, चाहे वो साइंस के टॉपिक हो, चाहे कंप्यूटर के टॉपिक हो, चाहे आपके एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे टेक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक हो, बड़ी आसानी के साथ आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।